साउथ सुपरस्टार प्रभास और यश को टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं धनुष। अब बनेंगे पैन इंडिया स्टार, लेकिन कैसे, जानने के लिए देखें फर्स्ट इंडिया फिल्मी की ये रिपोर्ट। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो में रहेगा एक सवाल, जिसका जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक गिफ्ट हैम्पर। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं हमारी खबर की तरफ। वेल, पिछले कुछ सालों में साउथ की सिनेमा और एक्टर्स को हिंदी ऑडियंस जमकर पसंद कर रही है। बाहुबली, ट्रिपल आर, पुष्पा और केजीएफ जैसी फिल्मों को हिंदी में जिस तरह का भौकाल और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मिला, उसने फिल्मों का बिजनेस समझने वाले ट्रेड पंडितों को भी हैरान कर दिया। प्रभास, यश, रामचरण और जूनियर एनटीआर को पैन इंडिया स्टार्स के तौर पर जो पॉपुलैरिटी मिली है, उसका जलवा ही अलग लेवल पर है। इस बीच रांझना से हिंदी फिल्मों में कामयाब एंट्री लेने वाले तमिल स्टार धनुष भी अब इस लिस्ट में आने के लिए तैयार हैं। शनिवार को धनुष ने अपनी नई फिल्म कैप्टन मिलर अनाउंस की। इस फिल्म में वो पूरा दम है जो बॉक्स ऑफिस पर उन्हें धमाकेदार पैन इंडिया स्टार बना सकता है। डायरेक्टर अरुण माथेश्वरन की फिल्म कैप्टन मिलर एक पीरियड एक्शन एडवेंचर फिल्म होगी। इसकी कहानी 1930 से 1940 की मद्रास प्रेसिडेंसी पर बेस्ड होगी। रिपोर्ट्स के अनुसार अरुण ने दावा किया है कि ये एक बहुत इंटेंस और डार्क फिल्म होगी। कैप्टन मिलर एक ट्रायलॉजी होगी, यानी कि इसकी कहानी 3 फिल्मों में चलेगी। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए अरुण ने कहा कि फिल्म में भर भर के एक्शन होगा और सेकेंड हाफ में तो एक युद्ध भी देखने को मिलेगा। डायरेक्टर ने आगे बताया कि कैप्टन मिलर में धनुष के किरदार की 15 साल की कहानी होगी। इसमें धनुष के 3 अलग लुक्स होंगे और कैप्टन मिलर के अलावा उनके 2 और नाम भी होंगे। अरुण का कहना है कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट आधी लिखते ही उन्हें महसूस हो गया था कि इसमें इमोशंस की बड़ी रेंज के साथ जिस तरह जानदार एक्शन की ज़रूरत है, वो धनुष ही कर पाएंगे। अरुण ने कहा कि ये फिल्म उनकी पहली 2 फिल्मों से अलग एक टोटल एक्शन मसाला एंटरटेनर होगी। इसका शूट देश भर में रियल लोकेशन पर किया जाएगा। फिल्म शूट तमिल में होगी, लेकिन इसकी थीम यूनिवर्सल है, इसलिए डबिंग के साथ इसे कई भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कैप्टन मिलर की अपील बहुत ग्लोबल होगी। वेल, पिछले कुछ सालों से साउथ का सिनेमा देख रहे हिंदी ऑडियंस कैप्टन मिलर पर काम कर रही टीम के बारे में सुनकर पक्का उछल पड़ेंगे। आपको बता दें कि फिल्म के डायरेक्टर अरुण माथेश्वरन ने साल 2021 में तमिल फिल्म रॉकी बनाई थी, जो अपने आप में एक कल्ट क्लासिक है। इतना ही नहीं, उनकी दूसरी फिल्म सानी कायधम इस साल मई में अमेजॉन प्राइम पर रिलीज हुई थी, जो कि शानदार रिवेंज ड्रामा थी। इस वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं हमारा आज का सवाल। तो हमारा सवाल है कि फिल्म रांझना में धनुष के ऑपोजिट किस एक्ट्रेस ने काम किया था। आप इस सवाल का जवाब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दें और जीते एक गिफ्ट हैम्पर। अब बढ़ते हैं हमारी खबर की तरफ। आपको बता दें कि धनुष की नेटफ्लिक्स फिल्म जग में ठंडी रम और अरुण की रॉकी शूट करने वाले श्रेयस कृष्णा कैप्टन मिलर की सिनेमेटोग्राफी संभालेंगे। भारत में बनी बेस्ट बॉक्सिंग फिल्मों में से एक सार पट्टा परम्बरा के आर्ट डायरेक्टर था रामलिंगम भी टीम में है। वहीं रजनीकांत की काला, विजय की थेरी और कल्ट का दर्जा रखने वाली आर्यन कांडम के स्टंट डायरेक्टर दिलीप सुब्बरायन कैप्टन मिलर के स्टंट तैयार करेंगे। अब ऐसे में इस फिल्म की डिटेल्स जानने के बाद आप यकीनन इसकी रिलीज डेट जानना चाहते होंगे, लेकिन इसके बारे में अभी मेकर्स ने कोई जानकारी शेयर नहीं की है। हालांकि इस बात के पूरे चांस है कि अगले 3 महीने में इसका शूट शुरू हो जाए और साल 2023 में हमें धनुष का एक अनोखा अवतार स्क्रीन पर देखने को मिले। अब ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या धनुष इस फिल्म से प्रभास और यश की तरह पैन इंडिया स्टार बन पाएंगे? हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़े हर एक लेटेस्ट खबरों से अपडेटेड रहने के लिए फर्स्ट इंडिया फिल्मी को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।